इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दो और मरीज मिले हैं और इनमें एक मरीज मुंबई जबकि एक उल्लासनगर में मिला है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 47 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर अब और एहतियात बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब दो नए केस भी महाराष्ट्र में सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन दो मरीजों के संपर्क में जो लोग थे उनको भी अब देखा जा रहा है और उनको भी आइसोलेशन पर रखने की तैयारी की जा रही है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, ये दो नए मरीज सामने आने के बाद, यानी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, अब क्या इंतजाम किए गए हैं इस वायरस से लड़ने के लिए? हाँ अर्पित, आपको बताना चाहेंगे दो और मामले पॉजिटिव आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसमें आई है और अब तक पूरे महाराष्ट्र में कुल 47 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मामले हैं वो महाराष्ट्र में हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि ये वायरस है वो दूसरों तक ना फैले और दूसरे मरीज की चपेट में ना आ पाए। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं और मुंबई और बड़े सिटी में जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, डांस बार हैं या पब हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। और आज से मुंबई में तकरीबन जितने बड़े बाजार हैं, चाहे जवेरी बाजार की बात करें या कपड़ा बाजार की बात करें, सारे बाजारों को आज बंद कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। लेकिन अभी तक जो कॉल लिया गया है कि उनसे सभी को बोला गया है कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर है उसमें 50% लोगों को छुट्टी दी है और 50% लोग काम पे आए और जो बाकी जो बचे लोग वक्त। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए। भाई, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के बीच राहत की एक बड़ी खबर आई है। कोरोना वायरस के मामलों की जांच और निगरानी में जुटी संस्था आईसीएमआर के मुताबिक देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हालात नहीं है, यानी कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से नहीं हो रहा है। आईसीएमआर ने बताया कि 1 से 15 मार्च के बीच देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस की जांच के लिए 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए थे। कोरोना वायरस के सैंपलों की जाँच के बाद अब तक 826 सैंपल की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं, जबकि 200 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दो दिन पहले ही 1000 में 500 सैंपल की रिपोर्ट आई थी और तब सारे नेगेटिव पाए गए थे और अब 326 सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। To be honest, if I say, will there be at least one case of community transmission? I would say that is a likelihood that we cannot ever rule out. Would there be a sizable community transmission? Then I must say, as a scientist, as a public health strategist, I would say that our entire efforts of the country, of all the ministries that are involved in it, are to ensure that we don't land up into a mess where we have more number of cases. Now, how you do it, what strategies you would have to do, whether they are palatable, like you are saying, people run away from quarantine, people don't follow what you are saying. So for that, you may have to take measures which may not be so easily acceptable to people. You forcefully quarantine them when they are running today. As of now, how many tests have you done in totality, keeping account these patients? 826. But before that, in the month of February also, you had done a couple of tests. We had done, but you have to understand one thing. There are two weaknesses in the whole thing. First is, even if in sari prevalence we say there are zero cases, but you must understand that's a reflection of an outbreak 10 days before, 8 to 10 days before. No? The reason is, those people who we started with certain symptoms,